बीजेपी ज्वाइनिंग कार्यक्रम, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई दिग्गज नेता आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब लगातार बीजेपी में बड़े नेता ज्वाइनिंग कर रहे हैं और बीजेपी को इससे दल भी मिल रहा है। राजपूत समाज से जुड़े दो बड़े नेता आज भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इसके बाद राजपूत समाज में इनकी ज्यादा पैठ बन पाएगी। बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया जा रहा है जहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भवानी सिंह कालवी और विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी का दामन यहां पर थाम चुके हैं और अब बीजेपी के लिए काम करेंगे और निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो कई ऐसे नेता भी हैं जो बीजेपी छोड़कर इससे पहले दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे लेकिन एक बार फिर से उनकी घर वापसी हुई है, तो वहीं कई नए चेहरे भी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पहली लिस्ट में नए चेहरों को भी बीजेपी ने मौका दिया है तो माना जा रहा है कि भवानी सिंह और विश्वराज सिंह पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है, इन्हें भी विधायकी का टिकट दिया जा सकता है। तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं और साथ ही साथ इधर आप देखेंगे तो सांसद दिया कुमारी भी हैं, इनके ऊपर भी दाव पार्टी ने खेला और विद्याधर नगर से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, दामन थाम लिया है दो दिग्गजों ने बीजेपी का। बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है राजपूत समाज को साधने के लिए, अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए, क्योंकि बड़े दिग्गजों को चुनाव आज चुनाव से पहले आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। बड़े दिग्गज कौन? बड़े दिग्गज वो जिनकी बड़ी विरासत है राजस्थान में, उनका रसूख काफी है, राजस्थान का आमजन उन्हें जानता है और राजपूत समाज में काफी बड़ा प्रभाव है। भवानी सिंह कालवी की एक बड़ी विरासत है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं और नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं सीपी जोशी। प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए कि श्रोणी महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों के आगे कभी समर्पण नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस परिवार के वंशज महाराणा भगवत सिंह साहब जिन्होंने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होने के बाद 69 में विश्व हिंदू परिषद के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने और देश धर्म और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस परिवार से संबंध रखने वाले, उस परिवार के वंशज और आदरणीय और भगवत सिंह साहब ने जब 10वां विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ 84 में, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, सफल सम्मेलन हुआ, 50 देशों के 4,700 प्रतिनिधि उसमें शिरकत की और आपके पुत्र पूज्य पिताजी आदरणीय महान साहब महेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से सांसद रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एकलिंग जी से उदयपुर तक की पदयात्रा महाणा साहब के साथ आदरणीय अटल जी उस समय उस यात्रा में शामिल थे, उस परिवार के वंशज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपनी ओर से, पूरे राजस्थान इकाई की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे भवानी सिंह जी कालवी जिन्होंने समाजोत्थान से राष्ट्रोत्थान अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में, कामों में और खेल में भी विशेष रुचि जिस परिवार ने रखी, जिनका राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबा हस्तक्षेप रहा, उस परिवार के वंशज भवानी सिंह जी जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं पोलो के, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपका भी हृदय की गहराई से आभार स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से मेवाड़ में राज परिवार का जिस प्रकार से आजादी से पूर्व और आजादी के बाद जिस प्रकार का सम्मान रहा है, उनके वंशज आदरणीय महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी और भवानी सिंह जी का, दोनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जिन्होंने कहा कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं, जो देश राष्ट्र के लिए गलत सोचते हैं और जिस ध्येय के साथ आपके पुरखों ने काम किया था उस पर चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनाई है,
उसमें विश्वास व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पुनः आप दोनों का स्वागत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।